हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रूट जूस फ्रूट जूस भी बोल सकते हैं आपको या मिक्स फ्रूट्स का स्मूदी भी बोल सकते हैं अभी गर्मियाँ पड़ गई है तो गर्मियों में ये खाना बहुत ही हेल्दी होता है और आपके बच्चे अगर फ्रूट्स खाने से बहुत नाटक करते हैं तो आप इसको ऐसे बना के उनको पिला सकते हैं तो चलिए बनाते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं मेरे पास है पपाया ये मेरे हाथ में है खजूर जो मैं छील रही हूँ उसके अंदर का बीज निकाल रही हूँ और यहाँ पे है बनाना एप्पल ये सब मिक्स करके मैं ये स्मूदी बनाऊँगी टेस्टी और बहुत ज़्यादा ही हेल्दी स्मूदी बनाऊँगी तो सब फ्रूट्स को आपको पहले धो लेना है छील लेना है अच्छे से और उनको अच्छे से कट कर लेना है ताकि वो मिक्सी के जार में अच्छे से उनका मिक्स हो सके या उनका जूस बन सके आपको फ्रूट्स को ऐसे पीसेस में काटना है कि मिक्सर में ज़्यादा उनको आ, आपके मिक्सर का भी कुछ नुकसान ना हो और वो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो वैसे ही हमको फ्रूट्स को काटने हैं यह है पपाया आपके घर में जो भी फ्रूट्स हो जो भी फ्रूट्स का जूस या स्मूदी आपको पसंद हो वो आप इन्वॉल्व कर सकते हैं मेरे पास थे ये फ्रूट्स तो मैं इनको अच्छे छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले रही हूँ उसके पास उसके बाद दिखाती हूँ तो ये लिया मैंने बड़ा वाला मिक्सिंग जार जो हम सब के घर में होता है तो उसमें हमें सब फ्रूट्स के पीसेस ऐड कर लेने हैं और मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जैसे बादाम और किशमिश वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अभी इसको ब्लेंड कर लेना है आप पहले उसे थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड करें उसके बाद आप उसमें दूध ऐड करें ये देखिए अच्छे से हो गया अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ आपको जितना पतला या जितना गाढ़ा चाहिए आप वैसे बना सकते हैं उसकी थिकनेस आप डिसाइड कर सकते हैं ये देखिए मेरा जो मिल्क शेक है या स्मूदी है वो बन के बिल्कुल ही रेडी है और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी ये हर बार बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनता है तो ऐसे अपने बच्चों को पिलाए इस गर्मी में इससे बहुत जा, बहुत टाइम तक आपका पेट भरा हुआ भी रहेगा और तो ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स